वो सिर्फ नाम के लिए लेते हैं, अब बाकी हकीकत ये है कि उन्होंने एक ही गोद लिया। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी अभी हाल ही में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ एक एक छोटी छोटी दुकानों का ठीका हुआ। कौन ठीका किया? कांग्रेसी कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद विधायक सब अब महीने लेते हैं, सबका शेयर है उसमें। न शराब पीता न शराब जानता। जनार्दन मिश्रा जी जाने उनकी शराब बिछवाती है, कौन बेच रहा? यही लोग बेचते हैं, यही लोग खरीदते हैं, यही लोग पीते हैं। आरोप दूसरे पर मढ़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में इस समय पर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार नेताओं के द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत बहुती ग्राम पंचायत को रीवा संसदीय क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा गोद लिया गया था। क्या हालत है इस गांव की आप खुद विजुअल में देख सकते हैं और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुती गांव को आदर्श गांव में शामिल किया गया है, कागजों में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुती गांव में हर एक व्यवस्था उपलब्ध है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए क्या है कि गोद लेना कोई नया काम नहीं। जनार्दन मिश्रा जी जो पहली बार सांसद हुए थे मुझे याद है, उन्होंने एक गदखुर गांव है उसको गोद लिया। अब आप बता रहे हैं कि बहुती गांव को उन्होंने गोद लिया, जमीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं। गोद सिर्फ नाम के लिए लेते हैं, अब बाकी हकीकत यह है कि उन्होंने एक ही गोद लिया। गोद नहीं, उनके निजी गोदनामा मानिए या निजी पुत्र मानिए, उनके बेटे हैं कबीर और उनको लिए हैं, उन्हीं के नाम से सारा सिस्टम उनका चला पूरे 10 सालों में। और ये जो गोद लेने की प्रथा है ये टोटल फर्जी है। और आप जा करके गदखुर भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, रीवा संसदीय क्षेत्र में पता नहीं कितने गांव हैं, हजारों गांव हैं, उन गांवों को जा करके देखिए कि सांसद निधि हो और चाहे साथ साथ आठ आठ विधायक रहे, उन्होंने अपने निधि का इस्तेमाल किस तरीके से कहां किया है। सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर, यही दो इन लोगों का गोद है, यही गोदनामा है, इसी में सारा विकास है। ठीक है सरकारें क्या करती हैं वो अलग विषय है, लेकिन सांसद और विधायक जब चुने जाते हैं तो उनको निजी फंड सरकार का निर्धारित है। हम भी विधायक रहे और हम विधायक रहे तो 5 सालों में जितनी भी निधि मिली है एक एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ आज भी, जबकि 10 साल हो गए। और इन लोगों का जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, आप अगर देखिए तो सिर्फ कमीशन के नाम पर इन लोगों का पैसे जाता है। यात्री प्रतीक्षालय, बड़े बड़े पोस्टर लगे, आधे तो आंधी में उड़ जाए, एक आंधी आती है और उड़ जाता है। तो यही इन लोगों का गोदनामा है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसके बारे में और क्या। आज सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा एक बयान जारी किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि शराब पैकारों को रीवा की जनता वोट नहीं देगी। देखिए क्या है कि शराब पैकार हैं कि शराब ठेकेदार हैं, कौन क्या कैसा हम नहीं जानते, पर इतना मैं जानता हूं कि जनार्दन मिश्रा जी यहां के 10 साल के सांसद रहे और मध्य प्रदेश में 15 से 20 सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और सरकार चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, अगर शराब के ठेके चलते हैं तो सरकार ठेका कराती है और सरकार पैकारी कराती है, सरकार पुलिस से शराब बेचवाती है, ये सब सरकार का काम है। तो हम कहते हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूर्ण शराबबंदी करी है, तो हाँ धोखे से शराब बिकती हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनने मुख्यमंत्री होते हुए शराब बंद कर दी तो हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी अभी हाल ही में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ एक एक छोटी छोटी दुकानों का ठीका हुआ है। तो कौन ठीका किया? कांग्रेसी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद विधायक सब अब महीने लेते हैं, सबका शेयर है उसमें। अब ये बात अलग है कि स्वाभाविक है कि कोई किसी दल में है, कहीं और दल में है, जो बिजनेस व्यवसायी है
शराब का भी ठेका कोई लिया होगा, मैं ये नहीं जानता। और न भैया, मैं तो किसान आदमी, किसान पुत्र और किसानी खेती जानता हूँ, न शराब पीता न शराब जानता। जनार्दन मिश्रा जी जाने उनकी शराब बिचवाती है, कौन बेच रहा, यही लोग बेचते हैं, यही लोग खरीदते हैं, यही लोग पीते हैं। आरोप दूसरे पर मढ़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे विधायक भी यही करते हैं। अभी जब मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, उस समय पे सांसद जनार्दन मिश्रा आए हुए थे। जनार्दन मिश्रा के द्वारा कहा गया कि रीवा की जनता हमें ही वोट देगी और हमें ही जिताएगी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। देखिए क्या है कि दो बार सांसद रहे, 3-3 लाख से जीते हुए हैं और वो कुछ करते नहीं। 5 साल सांसद रहे तो जनता ने वोट दिया कि शायद चलो कुछ करेंगे, और इसके बाद दोबारा भी जीते तो बिना काम का वोट मिलता है तो उनका सीना ठोकना लाजमी है। अब भाई क्या सेटिंग है, क्या है, जनता देती है वोट की, ईवीएम की भी सेटिंग है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पर खैर ये सब समय की बात है, इस बार उनको आटा दाल का भाव का पता चलेगा। दो बार तो फोकट का जीते हैं और सिर्फ वही यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर बेच करके और अपना काम चला रहे हैं, बस यही करें, बाकी अब तो रिजल्ट बताएगा आगे क्या होगा। लगातार कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता बीजेपी की ओर जा रहे हैं। देखिए क्या है कि निश्चित रूप से 15-20 सालों से सरकार है और छोटे मोटे काम धाम लोगों के चलते हैं, ये लोग प्रशासनिक तौर पर दबाव बना बना करके और लोगों को ले जा रहे हैं, पट्टा पहना रहे हैं। अब पट्टा पहना करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए, अब कांग्रेस में वोट देने का कोई मतलब नहीं। तो इनका भ्रम है, ये सिर्फ पट्टा दबाव बना करके पहना सकते हैं लेकिन मतदाताओं को रिझा नहीं सकते। अब ये तो रिजल्ट बताएगा, ये 470 का जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उसको बताने के लिए, 400 सीटों पर भाजपा लड़ी नहीं है, लेकिन कहते हैं 400 सीट के ऊपर आ रही है। अरे ये तो बताओ कि 400 सीट लड़े हो कि नहीं लड़े हो, लड़े भिड़े नहीं है कहीं, सिर्फ अभी 250-300-400 जितने सीटों पर लड़े, मुझे तो एक्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, पर नारा दे रहे हैं उसी की एक कड़ी है जो ये सबको बुला बुला करके जबरदस्ती दबाव बना करके जितना अधिक से अधिक, चाहे छोटा कांग्रेसी हो चाहे बड़ा कोई नेता हो, छोटे मोटे दबाव में कहीं है, पुलिस भेज करके, ईडी भेज करके, आप देख रहे हो केजरीवाल को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, कांग्रेसी पता नहीं कितने नेताओं को जेल भेजा, तो ये जेल का दबाव बना करके जो नहीं झेल पा रहे हैं मजबूरी में लोग जा रहे हैं। और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, इनकी पोल खुल चुकी है, इनके पास आदमी जन नहीं है, इनकी दुकान पूरी खाली हो चुकी है, तभी तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, अगर इनके पास होती तो क्या करते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी पहले भी कांग्रेसियों को इकट्ठा कर करके अपना कुनबा खड़ा किया है। राजेंद्र शुक्ला जी कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, नागेंद्र सिंह जी कांग्रेस से विधायक रहे, पता नहीं कितने ऐसे सांसद विधायक जो वहाँ नगीना बने बैठे हैं, सब कांग्रेस के में रह करके पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, कांग्रेस के स्कूल से निकले हुए सब विद्यार्थी हैं। आज चाहे कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के पाठशाला के सब विद्यार्थी। रीवा की जनता कई बार सवाल यह करती है कि विपक्ष के द्वारा मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई गई, सांसद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, अगर सांसद के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए और तरह तरह के। कहाँ ऐसा है कि आपको लगता है कि विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाया? मऊगंज की बात ले लो, हमने संघर्ष में कोई कमी करी क्या आपको लगता है? रीवा जिले में मऊगंज ही एक था जो कि लगातार विरोध कर रहे थे आप और आपके नेतृत्व में सड़क पर आ रहे थे कार्यकर्ता, लेकिन रीवा जिले में और मऊगंज जिले में 8 विधानसभा हैं, लेकिन अन्य विधानसभा में उस तरीके से विरोध देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है, विरोध सबने किया और करते हैं। अब देखिए क्या है कि अब यह समय बताएगा। अब देखिए अभी कुछ हम लोग ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब धीरे धीरे पर्दा खुल चुका है, जनता भी समझ चुकी है कि सिर्फ महंगाई और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लूट का लूट का अड्डा बन चुकी है और जनता को छोटे मोटे लाभ दे करके वोट समेटना चाहती है। और राष्ट्रीय स्तर पर जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज जनता के ऊपर हो चुका है, और जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मात्र 63,000 लाख करोड़ का उस टाइम कर्ज था। ये बात सबको समझ में धीरे धीरे आ रही है और बहुत सारी बातें
समय मिलेगा तो फिर और आपसे बातें होगी। एक लास्ट सवाल दादा, बीजेपी के द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है जिस कारण से कांग्रेस सही से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। भाई वो अपनी चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस में कहीं कोई कलह नहीं है। हो सकता है वही जो बीजेपी में कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में जा जा करके पट्टा पहन रहे हैं तुमको जरूर लगता है कलह है, वही बोलते होंगे। अब आप जरूर बहुत सारे पदों पर लोग आसीन हो गए हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, कांग्रेस लीडर पैदा करती है, ईमानदार लोगों को पैदा करती है, और कांग्रेस में सब भले पढ़े हैं, स्वाभाविक है जब बड़ा घर रहता है तो थोड़ा बहुत ये सब बातें चलती रहती है। क्या लगता है नीलम मिश्रा भारी पड़ेंगी जनार्दन पे? देखिए निश्चित रूप से अब ये चुनाव दो चुनाव लोकसभा का चुनाव दिशा और दशा तय करेगा। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी रीवा जिले से इतिहास कायम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जा रहे थे पूर्व विधायक और इसी दौरान हमें समय दिए। चलिए हम आपको आगे बहुत ही गाँव का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से आदर्श गाँव का विकास हुआ है।